दक्षता और कुशलता पर भरोसा रखते हुए हम इतने हवा के ऊपर में हैं। उनकी जरूरत थी वो अंदर। तो साथियों, हम बीर बिलिंग के अभी बीर पर हैं और बिलिंग पे जा रहे हैं। बिल कराने के बाद हम बिलिंग से फिर बीर आएंगे हवा से। दिस इज द लैंड साइडिंग और हम अपने गाड़ी के साथ हमारे कैप्टन विशाल जी के साथ ऊपर जा रहे हैं। यही मुझे आज पैराग्लाइडिंग कराएंगे बिलिंग से और सकुशल बीर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरा नाम है वीरेश। साथियों, बीर बिलिंग कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा स्थान जो पैराग्लाइडिंग करने वालों का एक जन्नत है, एक राजधानी कहा जाता है, एशिया में सबसे ऊंचे स्थान से जहां से पैराग्लाइडिंग होती है। फिलहाल अगर आप यहां पर आना चाहें तो हवाई मार्ग चूज करते हैं तो आप गगल एयरपोर्ट जो लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर है वहां आ सकते हैं। दिल्ली से नियमित उड़ान चलती है। अगर आप रेलवे माध्यम से आना चाहते हैं तो पापरौल करके एक स्टेशन है, वहां आपको उतरना होगा जो कांगड़ा के लगभग प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वैसे कुछ प्रमुख स्थानों से दूरी का देखेंगे तो 50 किलोमीटर धर्मशाला से इसकी दूरी है, मनाली से 180, शिमला से 200 और दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूरी है। फिलहाल मैं ऊपर आ गया हूं उस स्थान पर जहां से टेक ऑफ लेते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो साथियों, बिलिंग पहुंच गए हैं। यहां पे वो जो भी फॉर्म होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भर दिया गया है। मतलब एक बहुत फेमस भारत का एडवेंचर स्पोर्ट का ये एक स्थान बन गया है बीर बिलिंग। और आपको बताता चलूं, या जान ही गए होंगे अब तक के प्रस्तुति को देख के, बीर और बिलिंग दो अलग स्थान है। ये जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर अभी जो स्थान ये देख रहे हैं, यह बिलिंग है। यहाँ से टेक ऑफ होता है और लैंडिंग साइट जो होता है, जो यदि इस पहाड़ से देखा जाए जो 14 किलोमीटर नीचे, उस लैंडिंग साइट को या उस जगह को बीर बोलते हैं। इसलिए बीर और बिलिंग दो अलग जगह हैं, बोलते सब एक साथ हैं कि हाँ बीर बिलिंग जा रहे हैं, बीर बिलिंग जा रहे हैं, मगर बीर बिलिंग जा रहे हैं मतलब उसके दिमाग में है कि वो पैराग्लाइडिंग ही करने जा रहा है। अब पहाड़ देखिए साथियों, जस्ट सीट, एकदम ऊंची ऊंची चोटियां हैं। देखिए इन टेंडम वाला इस तरह से होता है, एक को पूरा वो बांध रहे हैं, ये पायलट अपना जो भी रस्सियां हैं इसके उसको सही दिशा में सेटअप कर रहा है। इसी तरह फिर हवा में करते हैं। फिर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इनके पास गोप्रो रहता है, गोप्रो का भी चार्जेस लेते हैं, बट अपना इंस्टा 360 है तो जो करवा रहे हैं उनसे बात हुई थी तो मैं अपने से ही शूट कर लूँगा। विशाल जी अपना पूरा सेटअप निकाल रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। फोन दे दो, अपना सामान जो भी है ना बैग में रख लेते हैं इसको। हाँ बैग में रख लीजिए, अपन सामान दे दो ना। ठीक है, वो पहना रहे हैं साथियों, अब मोबाइल रखने जा रहे हैं, एक बैग है सिर्फ हाथ में, ये इंस्टा 360 पकड़े रहेंगे। विशाल जी अब आपके हाथ में है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो साथियों, विशाल जी ने बोला कि आप नीचे क्यों बैठ गए भाई, इनकी हाइट छोटी थी, जैसे पैराग्लाइडिंग इनको उठाया ये आके ऊपर मेरे पे बेताल की तरह जैसे ही भार डाले तो भाई मैं नीचे ही आऊंगा ना, जिसकी वजह से ये हुआ, ये हाइट के डिफरेंसेस की वजह से। फिलहाल जैसा कि लिखा और देखा आपने स्क्रीन में, ऑल्स वेल दैट्स टेक्स ऑफ वेल, तो लास्ट में फिलहाल हम हवा में आ ही गए हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, मगर All's well that takes off well. और बताओ भाई,
अभी साहब भाई तुम बताओ ये हाइट का हमेशा ऐसा होता है दौड़ते में। पता नहीं कितने ऊपर होंगे हम लोग यार। तो विशाल जी से बात हो रही थी, विशाल जी कह रहे थे लगभग ये अब तक 7,000 से 8,000 बार राइड ये करवा चुके हैं, तो इन्हीं की दक्षता और कुशलता पर भरोसा रखते हुए हम इतने हवा के ऊपर में हैं। तो देखिए हमेशा हवा में रहने पे सिर्फ टेक ऑफ और क्या बोलते हैं लैंडिंग में ज़्यादा होता है। अच्छे खासे हाइट पे हैं, बहुत अच्छे खासे हाइट पे, और सारा कमान विशाल जी के हाथों में है। पहली बार किया था तो पहली बार का एहसास तो अभी याद नहीं है, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। कान में एकदम हवा का आवाज एकदम गुजर रहा है, साय 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 साय। बगल में कान से हवा गुजर रहा है तो बताऊं कितना ऊपर आ गए यार। मतलब एकदम एकदम ऐसे हम बैठे हैं जैसे लग रहा है सांप सूंघ गया है। हिल उल तो रात तो बैठे ना इधर ना उधर। जय सियाराम जय सियाराम। बहुत ऊपर है, बहुत। सोचिए जिस पहाड़ से हमने टेक ऑफ लिया है वो पहाड़ अब बहुत नीचे नजर आ रहा है। मुझे याद है साथियों भारत में सबसे ऊंचे स्थान से पैराग्लाइडिंग यहीं से की जाती है। सही बोल रहे हैं विशाल जी, सबसे ऊंचे स्थान से यहीं से होती है। वैसे नैनीताल साइड भी मैंने देखा है, जहाँ नकुचिया ताल है वहाँ से भी होता है, मनाली साइड मैंने देखा है, भारत में बहुत जगह से होता है। और जैसा विशाल जी से बात हुआ, विशाल जी ने बताया कि ये लगभग इसका जो 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 आप देख रहे हैं ग्लाइड, ये ग्लाइड आता है लगभग 1.5 से 2 लाख अगर सोलो वाला, और इन टेंडम वाला आता है 6 से 7 लाख। और लगभग एक ग्लाइडिंग का जो की मतलब एक तरह से ड्यूरेशन उसका लाइफ टाइम होता है, उसका लाइफ टाइम होता है 200 से लेकर 250 घंटा। और देख ही रहे कि लगभग एक राइड में ये लगभग 10 से 15 मिनट का समय लेता है, तो उस हिसाब से आप आकलन लगा सकते हैं कि ये कितना राइड एक ग्लाइड अपने उम्र मतलब अपने लाइफ टाइम में ले सकता है। मैं वो जगह देखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ लैंडिंग होता है। अच्छा सामने वो है ना भाई जी, हाँ। बहुत ऊपर, किस तरह से गूगल मैप में ऊपर से ग्लोब नहीं दिखाता मानचित्र और कैसा है, वो सारी चीजें वैसी नजर आ रही हैं नीचे। चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि पट पीत मानव।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हमें लगता है कि हम आसपास लैंडिंग साइट के करीब पहुंच रहे हैं, मगर अभी बहुत अच्छे खासे हाइट पे है। अभी भी हवा में शीतलता है, तो रात में हमें लगता है यहाँ कैंपिंग करने में रात में ठंड तो हो जाएगी। तो एक सिर्फ टी शर्ट अभी पहना हुआ हूँ, मगर इस शीतलता वाला ज़्यादा एहसास है ठंड से बजाय यदि कहें तो। देखिए टेक ऑफ समय ये बोलते तो हैं कि हाँ पैरासूट पीछे खींचेगा आपको, आगे मतलब कि दम लगाना है, मगर फिर भी हम नीचे तो बैठ ही गए थे पता नहीं कैसे। ये तो विशाल जी संभाल के एकदम हवा में ऊपर ले गए हैं। फिलहाल ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल, हाफ एंड्स वेल है। अभी देखिए पूरा एंड्स वेल होता है कि नहीं होता है, मतलब हो फुल्ली ऑब्वियसली। मुझे याद है 2017 में मैंने दिसंबर में पैराग्लाइडिंग यहाँ से की थी, बीर बिलिंग से, जब मैं डिलीवरी में था और अपने सारे दोस्तों के साथ आया था। आज बीटेक के दोस्तों के साथ आया हूँ, सुमित और सचिन के साथ। सचिन कर चुका है, पता नहीं है मतलब उसको एडवेंचर स्पोर्ट का पसंद नहीं है या करना पसंद नहीं करता, तो मैं सोचा कि मैं कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दूर तक, जहां तक आप देख सकते हैं एक चारों तरफ पहाड़ के बीच में एक बहुत सा एक समतल एरिया पे एक बहुत ये वीर शहर बसा हुआ है। अब ये थोड़ा सा घुमाए हैं नीचे कुछ अवलोकन करते हुए, सही जगह का चयन करते हुए। पता नहीं वहाँ से सामने आप पहाड़ देख पा रहे होंगे, 360 एंगल है, तो मैं एंगल कर दूंगा। वहाँ से यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पर सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन है, विशाल जी बोल रहे हैं कि वेट थोड़ा पीछे रखने के लिए और गर्दन भी थोड़ा सा पीछे रखने के लिए, बाकी काफ़ी जब एक बार उड़ जाने के बाद काफ़ी स्टेबल रहता है। जब तक आप अपने पायलट को कहें नहीं कि कुछ वैसा कीजिए तो आपको स्टेबल भी उतार सकते हैं, जबकि वैसे घुमा भी सकते हैं अगर आप उससे यदि पूछे तो। पिछली बार जो किया है मैंने, मेरे को वही वाला याद है, उन्होंने पूछा कि हाँ करना है, मैंने बोल दिया हाँ, तो इन्होंने ऐसा गोल चक्कर घुमाया था, तो सिर्फ एक एहसास बाकी है और बाकी उसका एहसास नहीं है। उस समय GoPro था, वो GoPro पूरा ब्लर था, उतना सही से काम किया नहीं था, तो
पूरा ब्लर वीडियो था। तो ऐसा वाला गोल वाला घुमा दीजिएगा तुम नीचे जब पहुंचे, ठीक है ना विशाल जी? ओ भाई जी, ये वाला जैसे ऐसे ऐसे उतारे वो वाला तो करेंगे ही ना? हाँ, ऐसे उतरने का। अब हम लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं ना। जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब ये एहसास तो था, मतलब ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसमें भी 10-15 मिनट समय लगता है। जैसे बंचिंग जंप भी हुआ तो वो तो जैसे कूदे खत्म, बूम 15-20 सेकंड में खत्म हो जाता है। इसमें 15-20 मिनट रहता है तो आप अच्छे से पूरा आसमान पूरा इस चीज़ का फील कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं जिस हिसाब से आप करना चाहें, मगर एक औसतन जो कराते हैं तो 15-20 मिनट जैसा अभी हो गया होगा हमें, तो काफ़ी अच्छा एहसास रहता है। आप संपूर्ण पूरा एहसास ले सकते हैं, पूरा हरे भरे घास के मैदान नजर आ रहे हैं, जबकि वो फसल है, गेहूं के फसल है अभी, क्योंकि गेहूं का समय है। धीरे 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 देखिए सामने दिखाई दे रहा होगा आपको लैंडिंग एरिया। तो सुमित और सचिन ऊपर ही रहेंगे, वहां कैंपिंग लेके रहेंगे, तो जिनसे बुक किया है वो अपनी गाड़ी से फिर हमें वहाँ ऊपर छोड़ेंगे, तो आज कैंपिंग का वहाँ पे ऊपर मज़ा लिया जाएगा। क्योंकि पहले हमारा धर्मशाला या मैक्लोडगंज रुकने का प्रोग्राम था, पर बीच में सुमित पता नहीं कैसे ढूंढा और उसका मन किया तो हमने बीच में यहाँ पर हम आ गए। में होता है ना फ्री फॉल वाला, पैराग्लाइडिंग समाप्ति के एकदम क्षण पर है। हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं अपने लैंडिंग एरिया के। अब पता नहीं, एक्साइटमेंट देखिए अब अंदर ज़्यादा होता है, बाहर उस हिसाब से नहीं निकलता है, मगर हाँ शरीर में जो भी एड्रेनल और हार्मोन की ज़रूरत थी वो अंदर महसूस होती है। जय सिया राम। देखिए हम लैंड करने वाले ही हैं, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ये पहुंच गए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद विशाल जी। क्या इसको बंद कर दो,
अब बंद कर रहे हैं साथियों, उसके बाद अभी मोबाइल से आपसे रूबरू होते हैं। तो साथियों, लैंडिंग करने के बाद यहाँ जो फोटो खींचते हैं वो फोटो ले लिया गया है और अब बढ़ रहे हैं ऊपर। जय सिया राम। अरे भाई, हमें लग रहा सरका देंगे आप। अच्छा, जय श्री राम। काकू भैया, ब्लूटूथ फोन करना। भाई साहब, लग रहा है अगला एडवेंचर करवा देंगे 14 किलोमीटर में। मुझे पता था साथियों, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये तो एक और एडवेंचर करा ही देंगे, क्योंकि ड्राइवर महोदय इस पहाड़ी रास्ता जिस रफ्तार पे, जिस खुले आम बिना निर्भय हुए चला रहे हैं, वो एक अपने आप में ही एडवेंचर ही है। कि आप समझ रहे हैं, एडवेंचर में एक रोमांस रहता है, सस्पेंस रहता है। ये जैसा चला रहे हैं सस्पेंस ही है कि पहुँचा पाएंगे कि नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि इस रूट पर इतना चलाए हैं कि इनको कॉन्फिडेंस हो गया। भाई, दूसरे वाले की तो लगी रहती है, तो फिलहाल पहुंच गए थे। तो साथियों, ऊपर आ गए हैं। अब बोलेंगे कि पैराग्लाइडिंग करके कैसा एहसास हुआ। देखिए, अब ये समझ में आता है कि मानव जितने भी लाख साल इस धरती पर रहा हो, डीएनए आज तक आया है। इसीलिए मैन्स आर स्टिल डॉग्स बिकॉज डीएनए रिमेंबर्स इट। सो इन द सेम वे ये सेकेंड टाइम था, तो माई डी एन ए एंड मसल्स रिमेंबर्स इट कि इस सेकेंड टाइम। तो साला ब्रेन ने वो हार्मोन और वो एंड्रेनिल दिया ही नहीं, वो नहीं देता है साला, उसको पता है कि तो हाँ इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सेकेंड आई थिंक सेकेंड थिंग इज ट्रूथ कि फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम्स कैन नेवर बी अ फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम देगा जब सोलो करेगा। हाँ, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि जैसे इन टैंडम तो दो बार हो गया ना, तो अब सोलो जब करेंगे तो फर्स्ट टाइम होगा। तो मे बी कि शरीर उतना साला एंडोर्फिन या बोला जाए दे टेस्ट्रॉन फिलहाल, मगर एक अच्छा एहसास तो होता ही है। आप बिना पंख के हवा पे रहते हैं। तो साथियों, आपको बताता चलूं कि मौसम में बदलाव आने की वजह से अभी यह स्थगित कर दिया गया है यह राफ्टिंग क्यों है? राफ्टिंग ही याद है क्योंकि लेटेस्ट अभी राफ्टिंग की है ना। ये पैराग्लाइडिंग मैं तो कर चुका हूँ, जस्ट सूचना के लिए। जस्ट देखिए कि मौसम कितना भयंकर, तुरंत ही लगभग 15-20 मिनट में ही पूरा भयंकर बदल गया है। अच्छी खासी हवाएं चलने लगी हैं और यह पूरा तामझाम इस मौसम को देखकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि जान है तो जहान है, बाकी तो पैराग्लाइडिंग साल में 10 महीने होता है, सिर्फ बरसात में ही रुकता है। तो सही है, चलिए कैंपिंग किए हैं। 4,000 रुपये का मतलब यहाँ पर कैंपिंग ये सुमित बाबू साहब ने खाना पीना के साथ डिनर और ब्रेकफास्ट के किया है। बाकी सुबह बंजी जंपिंग का भी बन रहा है। हाँ, बंजी जंपिंग का भी कर लिया है। हाँ, उसका भी पूरा आपको तामझाम, पूरा डूज एंड डोंट एंड एक्साइटमेंट और पूरा क्या लगता है पैसा, वो भी बता देंगे। अगर बीर बिलिंग में कर रहे हैं बंजी जंपिंग, हमारे नज़ारा देखा। वो जो बंदा जा रहा है, बंदा मेरा है, बंदा। देख रहे हैं इतनी सारी चिड़िया उड़ रहे हैं। इंसान क्या नहीं बना दिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। पंख नहीं दिए तो हवाई जहाज बना लिए, पैराग्लाइडिंग बना लिए। देखिए, पूरा पूरा धूल धूल कर दिया। ये देखिएगा, ये ले लिया इन्होंने टेक ऑफ। ये देखिए साथियों,
बोला जाए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।